आचार्यवर के चरणों में वंदना। उपस्थित भाइयों बहनों, आज परम पूज्य आचार्यवर की मंगल सन्निधि में उड़ीसा प्रादेशिक महिला सम्मेलन रखा गया है और उड़ीसा के अनेक क्षेत्रों से महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई है। स्थानीय स्तर पर भी अनेक महिला मंडलों के प्रतिनिधि उपस्थित है। महिला सम्मेलन का मतलब है आधी दुनिया का सम्मेलन। समाज या परिवार की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पुरुष और एक महिला। दोनों पहिए मजबूत होते हैं तो गाड़ी अच्छी तरह से चलती है। अगर एक पहिया मजबूत और एक कमज़ोर हो तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। तो वह परिवार और वह समाज विकास कर सकता है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का विकास होता है। एक समय था जब शिक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व था और यह मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज पुरुष प्रधान था और आज भी हो सकता है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व रहता है। तो प्राचीन काल में महिलाओं का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था। घर से बाहर जाने की बात महिलाएं सोच ही नहीं सकती थी। बाहर किसी कार्यक्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। घर को संभालना, चूल्हा चौकी संभालना। धीरे धीरे समय बदला, परिस्थितियां बदली और टेढ़ापन समाज की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो टेढ़ापन के नौवें अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने महिला जागरण का शंखनाद किया। महिलाओं की सुषुप्ति टूटी, उन्हें अपनी अस्मिता का बोध हुआ। आज से 60 वर्ष पहले महिलाओं की जो स्थिति थी वो शायद पुरानी बहनों से अज्ञात नहीं है। शिक्षा का दर बहुत ऊंचा नहीं था, पूरी साक्षरता भी नहीं थी। अधिसंख्य महिलाएं घूंघट में रहती थी, सामाजिक कुरूढ़ियां भी बहुत थी। आचार्य तुलसी ने युग की नब्ज पर हाथ टिकाया, उसको देखा परखा और लगा कि अब जमाना बदल रहा है। अगर महिलाओं में जागृति नहीं आएगी, इनका विकास नहीं हो सकेगा। तो गुरुदेव श्री तुलसी ने महिलाओं को जगाने के लिए आह्वान किया। महिलाएं जागी, पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हुई, अन्य सामाजिक कुरूढ़ियां भी हटने लगी और धीरे धीरे शिक्षा का भी विकास हुआ। और आज तो स्थिति यह बन गई है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और ऐसा भी माना जा सकता है कि शायद आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं का वर्चस्व न हो। तो महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास करें, अपने परिवार भाइयों बहनों में संस्कार जागरण का काम करें, अपने बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का काम करें। यह सारी जिम्मेवारियां महिला पर होती है।
और ऐसा मानना चाहिए प्रादेशिक महिलाओं के लिए आज एक महिला सम्मेलन रखा गया, अवसर का महिलाएं लाभ उठाए तो उनकी क्षमताओं का अच्छा उपयोग हो सकता है अनेक क्षेत्रों से। इसके लिए उन्हें समय का मूल्यांकन करना होगा। यहाँ उपस्थित हुई है क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है स्थानीय स्तर पर भी तो समय उसे बर्बाद कर देता है। महिला मंडलों के प्रतिनिधि उपस्थित है। हम जानते हैं कि महिलाओं का अतीत कैसा भी रहा है का मतलब है उसको नहीं बदला जा सकता दुनिया का सम्मेलन, लेकिन भविष्य का निर्माण तो किया ही जा सकता है। तो महिलाएं अपने अतीत को सामने रखे समाज उसे प्रेरणा लेकर नए भविष्य का निर्माण गाड़ी के कैसे करें। दो पहिए होते हैं, कहानी के माध्यम से घटना के माध्यम से बताना चाहूंगी। दोनों पहिए मजबूत होते हैं, प्राचीन काल की बात है, चलती है। एक राज्य में यह परंपरा पहिया मजबूत और ये कमजोर, कोई भी राजा नियुक्त होता तो गाड़ी ठीक से नहीं चलती। 5 बरस राज्य करने का मौका मिला, 5 वर्षों के बाद उसे राजगद्दी से उतार दिया जाता है और पुरुष दोनों का विकास होता है। एक समय था जब निर्वाचित नया राजा ने क्षेत्रों में उसके सामने 5 वर्षों का समय था, पुरुषों का वर्चस्व था और यह दायित्व संभाला, कोई दायित्व संभाल कर भी वह थोड़ा थोड़ा उदास नहीं होगी कि समाज पुरुष प्रधान था, खुशी नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी। एक बार की बात है, पुरुषों का वर्चस्व रहता है। एक उसका प्रबुद्ध मित्र उसे मिलने के लिए आया तो प्राचीन काल में उसकी निराशा भरी महिलाओं का कार्यक्षेत्र बहुत चेहरा देकर उसने पूछा, भाई क्या बात है, अभी तो तुम घर से बाहर जाने की बात महिलाएं सोच ही नहीं सकती थी, राज्य का संचालन कर रहे हो, बाहर तुम्हारे कार्यक्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश नहीं था और इस प्रकार घर को संभालना की संभालना। तो राजा ने धीरे धीरे समय बदलाना, परिस्थितियां बदल गई, अभी सत्ता मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरापंथ समाज की दृष्टि से अगर समय दिखाई देता है 5 वर्ष के बाद क्या होगा, तो तेरापंथ के नाव में इस राज्य की परंपरा के अनुसार 5 वर्ष के बाद मुझे गद्दी से उतार दिया जाएगा, महिला जागरण का दूसरा राजा आ जाएगा, शंखनाद उस समय क्या करते हैं, पहले राजा को जंगल में छोड़ दिया, महिलाओं की सुसुप्ति टूटी तो जंगल में क्या करूँगा मैं, उन्हें अपनी अस्मिता का बोध हुआ, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। आज से तो मित्र समझदार था, 8 वर्ष पहले उसने कहा कि इसमें दुखी होने से क्या, महिलाओं की जो स्थिति थी तुम्हारा वह अंधकार में भविष्य उज्ज्वला बन जाएगा, बहनों से अज्ञात नहीं है, तुम चाहो तो उस भविष्य को सुधारने का प्रयास आज दर बहुत ऊंचा नहीं था, प्रयास हो सकता है, कोई साक्षरता भी नहीं थी। मित्र ने सुझाया कि जिस जंगल में राजा को छोड़ा जाता है महिलाएं घूंघट में रहती थी, तुम उस जंगल को आबाद कर दो, सामाजिक कुरूढ़ियां भी बहुत थी। बात राजा की समझ में आ गई, उसने आचार्य तुलसी ने युग की नब्ज पर हाथ टिकाया, सैकड़ों कारीगर लगाए, उसको देखा परखा, उस जंगल का के जमाना बदल रहा है, जंगल की कुछ एरिया को साफ कराया, अगर महिलाओं में जागृति भंग में आलीशान प्रासाद बनवा लिए, बगीचे बनवा लिए, तालाब बनवा लिए, हो सकेगा एक छोटी बस्ती बसे, इतनी सारी सुविधाएं तुलसी ने महिलाओं को और कुछ लोगों को इस बात की जानकारी भी दे दी कि ऐसी स्थिति में वहां जाकर हम आराम से रह सकेंगे, पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हुई। उसके बाद वह निश्चिंतता से अपने राज्य का संचालन करने लगा, कुरूढ़ियां भी हटने लगी, अच्छा काम किया 5 वर्षों तक और धीरे धीरे पूरा हुआ, भी विकास हुआ और आज तो वहां की व्यवस्था के अनुसार उसे कहा गया कि अब तो आपको जंगल में लड़ना होगा, अपेक्षा लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ खुशी खुशी अपने परिवार को लेकर जंगल में चला गया। ऐसा भी माना जा सकता है कि जंगल को उसने पहले ही राजमहल बना दिया था, आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार जहां राजा ने सूझबूझ से काम लिया, महिलाओं का वर्चस्व न हो और जंगल को गांव बनाकर तो महिलाओं ने भविष्य को उज्ज्वल बना लिया, निश्चिंत बना लिया, विकास करे, वैसे ही हमारी बहनें परिवार यह चिंतन करें कि हमें भी अपने भविष्य को कैसा बनाना है, अपने बच्चों के तो निर्माण का काम करें, तो निर्माण की दृष्टि से उनके लिए जो करनी है वो करने के लिए वे समुद्यत बने। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से महिलाएं बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। परम पूज्य आचार्य वर्य, मैं ऐसा मानती हूँ कि महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण काम है बच्चों का निर्माण, प्रादेशिक
महिलाएं अपने बच्चों का निर्माण कर रखा गया है, उनको संस्कार दे सकती है, उन्हें पढ़ा सकती है और उड़ीसा के उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकती है। तो महिलाओं के सामने कई भूमिका उपस्थित हुई है। एक महिला माँ होने स्तर पर भी होती है, अनेक महिला मंडल भी होती है, किसी की बहन होती है, सारी भूमिका का निर्वाह उन्हें करना है। आधी दुनिया का सम्मेलन, तो माँ की भूमिका में वह बच्चों के मनोबल को कैसे बढ़ाती है, मैं एक घटना आपको सुनाना चाहूँगी। परिवार की गाड़ी आपने सुना होगा, दो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम, पुरुष और एक एडिसन जो वैज्ञानिक था, दोनों पहिए मजबूत होते हैं तो गाड़ी अच्छी तरह से चलती है। बल्ब का आविष्कारक था, अगर एक पहिया मजबूत और एक कमजोर हो, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो गाड़ी ठीक से नहीं चलती। एक दिन स्कूल से घर आया, वह परिवार और वह समाज को एक विकास कर सकता है, उत्तर देकर कहा कि दोनों का विकास होता है, मेरे टीचर ने दी है इसको। एक समय था माँ ने उसे पढ़ा, जब माँ की आंखों में आंसू आ गए, अनेक क्षेत्रों में पुत्र ने देखा कि ऐसा क्या लिखा है इसमें, माँ की आंखों में आंसू कैसे आ गए, और यह मान लिया जाए तो ही कोई, तो उसने पूछा अतिशय क्या लिखा है कि समाज पुरुष प्रधान था और लगता है माँ कोई बहुत ही समझदार थी, समाज में पुरुषों का वर्चस्व रहता, अपने मन को मजबूत किया। तो प्राचीन काल में पहुँच कर बोली महिलाओं का लिखा है कि आपका बच्चा जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है, घर से बाहर जाने तो छोटे स्तर का है, सोच ही नहीं सकती थी, और शिक्षित बहुत प्रशिक्षित है, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, स्वयं शिक्षा दे, घर को संभालना नहीं, चूल्हा चौकी संभालना, धीरे धीरे समय बदला, माँ ने वह बदली, अपनी अलमारी में रख दी कहीं पर, और उसने अपने बालक को विचार पढ़ाना शुरू किया, तो तेरा आत्मविश्वास पैदा किया, अधिशास्ता आचार्य दूसरे ने अध्यापकों से भी पढ़ाया महिला जागरण का, और एक दिन ऐसा आया शंखनाद किया कि वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। महिलाओं की सुसुप्ति टूटी, कुछ वर्षों के बाद अपनी अस्मिता का बोध हुआ, माँ का स्वर्गवास हो गया। आज से एक दिन एडिसन साथ अपने घर की अलमारी संभाल रहा था, महिलाओं की जो अलमारी को टटोलते टटोलते वो शायद पुरानी महिला से अज्ञात कागज का टुकड़ा आ गया, शिक्षा का, उसने उस कागज के टुकड़े को खोला, उसे पढ़ा, ऊंचा नहीं था, उसे लगा कि यह तो वही कागज है नहीं थी, जो कागज उसे टीचर ने अधिसंख्य महिलाएं दिया था में रहती थी, और उसने आकर अपनी माँ को दिया था, सामाजिक कुरूढ़ियाँ भी बहुत थी। उसने क्या लिखा था, उसमें लिखा था आपका बच्चा बौद्धिक स्तर पर बहुत कमजोर है, युग की नब्ज पर हाथ टिकाया, आप इसे स्कूल न भेजे, उसको देखा परखा, अब देखिए और लगा कि अब जमाना बदल रहा है। माँ ने अपने बेटे को क्या समझाया, अगर महिलाओं ने बता देती उस समय अपने बेटे को कि टीचर ने लिखा है कि बच्चा बौद्धिक स्तर पर कमजोर है, हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, तो बच्चे का तो आत्मविश्वास सारा खत्म हो जाता, वह कुछ कर नहीं सकता, जगाने के लिए आह्वान किया। माँ की एडिसन की माँ कितनी समझदार थी, महिलाएं जागी, उसने एकदम उल्टी बात कही अपने पुत्र से, पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हुई, टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, सामाजिक कुरूढ़ियां भी हटने लगी, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास धीरे धीरे शिक्षा का भी विकास हुआ, आप पढ़ाएं स्वयं, और आज तो स्थिति कोई समझदार आदमी समझ सकता है कि एक गृहिणी अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगी, उनकी अपेक्षा लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही, इतनी कम थी, और तो ऐसा ने मेहनत करके है पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है बुद्धि के साथ, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि काम करती है, महिलाओं का बुद्धि का प्रतिशत होता है 20%, तो महिलाएं मेहनत का प्रतिशत होता है अपने व्यक्तित्व का विकास करें, तो फिर प्रतिभा की नई स्फूर्णा होती है, अपने परिवार तो माँ ने इतनी मेहनत की, में संस्कार जागरण का काम स्फूर्ण हुई, अपने बच्चों तो निर्माण का वैज्ञानिक बन आचार्य वर्ग के चरणों में, इस सदी का महान वैज्ञानिक उपस्थित किस बदौलत से बना, एक माँ की बदौलत बना, तो माताओं का ये दायित्व है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें। आचार्य वर्ग की मंगल सन्निधि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, उड़ीसा ऐसा मानना चाहिए कि बच्चों में बहुत टैलेंट है, महिला सम्मेलन
रखा गया है। और फिर मीडिया भी इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, और उसके माध्यम से भी दुनिया भर का ज्ञान कर लेते हैं। जान तो करते हैं, वो करते हैं। महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं, उन्हें जो मीडिया के माध्यम से नहीं जानना होता वो जान रही हैं। अनेक महिला मंडलों के अगर ऐसी स्थिति में माताएं अपना दायित्व निभाएं, महिला सम्मेलन का मतलब है आधी दुनिया का सम्मेलन, और उन पर एक अनुशासनात्मक समाज कदम उठाया जाए परिवार कि उन्हें क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं होते हैं, एक पुरुष का जीवन का क्या क्रम बनाना, तो बच्चों का सही ढंग से मजबूत होते हैं तो गाड़ी अच्छी तरह से चलती है। मूल बात है कि पहले महिलाएं स्वयं जागेगी तो वो बच्चा मजबूत हो, ये कमजोर हो तो महिलाओं को स्वयं को जागना है, ठीक से नहीं चल पाती। स्वयं को जागने का मतलब सबसे पहली बात है वह समाज कि महिलाओं में भी आत्मविश्वास विकास कर सकता है, ये मान कर चले कि हमारे में शक्ति है, ताकत है, हम कोई भी काम कर सकती हैं। दूसरी बात है उनके जीवन में भी अनेक क्षेत्रों में उनका चरित्र बल भी पुष्ट होना चाहिए। जो स्वयं का चरित्र बल पुष्ट होता है तो दूसरों को भी चरित्र बल के लिए प्रेरित कर सकता है। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज पुरुष प्रधान था। तीसरी बात है कि महिलाओं के कुछ स्वाभाविक गुण है, जैसे समाज में पुरुषों का वर्चस्व रहता है, सहनशीलता, सेवा भावना, तो प्राचीन काल में तो इन गुणों में कमी नहीं आनी चाहिए। का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था। एक महिला घर से बाहर जाने की बात महिलाएं सोच नहीं सकती, इंजीनियर बने या नहीं, बाहर किसी कार्यक्षेत्र में बने या नहीं था, घर को संभालना, चूल्हा चौकी संभालना, व्यवसायी बने या नहीं, धीरे धीरे समय बदला, महिला बनेगा बदली, यह लक्ष्य पहले निर्धारित होना चाहिए। और तेरापन समाज की दृष्टि से अच्छी महिला के लक्षण क्या है तो तेरापन के नवमें महिला अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने आप देखिए तीन शब्द है महिला, महिला जागरण का मैं संघन किया, इन तीन शब्दों की आप व्याख्या करें, तोड़ तोड़ कर इसका अर्थ करें, उन्हें मैं यानी ममता का बोध हुआ। महिला में क्या होनी चाहिए आज से, ममता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। 60 वर्ष पहले जिस परिवार में रहे उस परिवार को अपनापन के ममता के धागों से जोड़ कर रखे, पुरानी बहनों से अज्ञात परिवार को बिखरने न दे। आज की त्रासदी क्या है, दर बहुत, परिवार टूट रहे हैं, ऊंचा नहीं था, एक समय था पूरी साक्षरता पचास नहीं थी। 50-100 लोगों का परिवार एक साथ रहता था, अधिसंख्य महिलाएं घूंघट में रहती, चूल्हे पर रोटी खाता था, सामाजिक कुरूढ़ियां भी बहुत थी। और अब वह स्थिति कहाँ है, कहीं कहीं शायद आचार्य तुलसी ने युग की नब्ज पर हाथ टिकाया, कुछ उसको देखा पर का समवाय मिल जाता होगा कि अब जमाना बदल रहा है। लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है कि अगर महिलाओं में जागृति नहीं, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, तो परिवार के टूटने का कारण का विकास नहीं हो सकेगा। अगर थोड़ा विश्लेषण किया जाए तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार, महिलाओं में से कौन सा परिवार आह्वान किया, ये तो आपके अनुभव करने की बात है। महिलाएं जागी, अगर हम एक दृष्टि से विचार करें, पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हुई, संयुक्त परिवार में कितने फायदे हैं, अन्य सामाजिक कुरूढ़ियां भी हैं। संयुक्त परिवार में 8-10 महिलाएं एक साथ रहती हैं, शिक्षा का भी विकास हुआ, और कोई भी आराम बीमार हो जाए चिंता नहीं होती, अपेक्षा लड़का शिक्षा की संभालने आगे बढ़ रही है। कहीं किसी को ऐसा भी माना जा सकता है जाना होता है, पीहर जाना होता है, चिंता नहीं होती, ऐसा किसके भरोसे छोड़ कर जाएंगे, जहाँ घर को किसके भरोसे छोड़ न हो। तो महिलाएं तो सबसे पहले तो यह है अपने परीक्षा ही होगा, भावना इतनी होती है संयुक्त परिवार में, अपने परिवार की व्यक्ति कभी अकेले जागरण का काम कर, सुख दुख साझा होता है, अपने बच्चों सुख भी बांट कर भोगते हैं, दुख भी बांट कर भोगते हैं, महिला पर होती है। कहा जाता है सुख को बांटा जाए ऐसा मानना चाहिए हो जाता है कि महिलाओं के लिए दुख को बांटा जाए अवसर आधा हो जाता है। इस अवसर का महिलाएं लाभ उठाए, आप अपने मन का दुख अपने किसी सहेलियों का अच्छा उपयोग हो, मन का भार कुछ हल्का हो जाएगा, इसके लिए उन्हें समय का मौका रहता होगा कि देवरानी को जो समय को बर्बाद करता है, किसी को भी आप अपने मन समय उसे बर्बाद कर देता है।
जहाँ अकेले अकेले रहते हैं, एकल परिवार जानते हैं कि महिलाओं सबसे पहले तो महिला भी रहा है, समस्या आती है कि वे अपने मन की उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य का निर्माण किया ही जा सकता है। कहीं भी जाना आना हो महिलाएं भरोसे अतीत को सामने रखे, उसे प्रेरणा लेकर नए भविष्य का निर्माण करें। कैसे करें, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, घटना के माध्यम से बताना चाहूंगी। आप एक अखबार मंगाते हैं उसे काम चला जाता है, काल की बात है। अगर 10 भाई अलग अलग होंगे, राज्य में ये परंपरा थी, वैसे काम करने पर राज्य व्यवस्था तो होता है, तो 10 व्यक्तियों को रखना पड़ेगा। उसे 5 बरस राज्य करने का मौका मिलता, इतने काम है। उस दृष्टि से राजगद्दी से उतार दिया जाता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवार की परंपराएं भी अपने राजा आगे बढ़ती है। संयुक्त परिवार में निर्वाचित हुआ नया राजा, किसी को प्रशिक्षण दिया जाए के सामने भी जाने का समय था, एक दूसरे को देखकर नई बहुएं आने वाली सीख संभाला, हमारे परिवार में ये संस्कार है, संभाल कर भी वह थोड़ा थोड़ा उदास रहता था। हो सकता है उसे खुशी नहीं थी, प्रसन्नता नहीं भी हो। एक बार की बात, दूसरे के विचारों को महत्व देना होता है, प्रबुद्ध मित्र उसे मिलने के लिए आया, बड़ों की आज्ञा का पालन करना होता है, घर में अनुशासन की निराशा भरी बातें सुनकर उदास चेहरा, वह थोड़ा सा अनुशासन आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना, अगर उपस्थित सहनशीलता हो बहनों में तो व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से परम पूज्य आचार्य होकर रह सकता है। उड़ीसा।